दोस्तों आप सभी का और एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करना है। दोस्तों फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपना एक फेसबुक अकाउंट को भी लॉगिन कर लिया है। तो आप जिस भी अकाउंट के नाम को चेंज करना चाहते हो सबसे पहले आपको उस अकाउंट के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने इस अकाउंट को लॉगिन किया है और अभी इस अकाउंट का मेरा नाम है शिवा कुमार। तो मैं आपको इसी अकाउंट के नाम को चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे नेम अभी मेरा शिवा कुमार यह दिख रहा है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक मैं आपको नेम को चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको नेम को चेंज करना है। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट के नेम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपके फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे राइट साइड में आपको प्रोफाइल का लोगो देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस लोगो पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको लोगो पर क्लिक कर देना है और लोगो पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देख पाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। और सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेंटर का, तो आपको यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। और अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, लेकिन जब आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अकाउंट का नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर्सनल डिटेल्स से आप अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में आप देख पाओगे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से लिंक होगा तो नीचे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख जाएगा और ऊपर में आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर फेसबुक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको फेसबुक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको नाम का ऑप्शन मिलता है, यूजर नेम का मिलता है, प्रोफाइल पिक्चर का मिलता है, अवतार का मिलता है। यानी कि आप यहाँ से सारी चीज़ों को यहाँ पर एडिट कर सकते हो, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट के नेम को चेंज करना है तो इसके लिए आपको नेम पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको नेम पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेम पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे आपके फेसबुक अकाउंट का जो भी अभी नाम है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम है शिवा कुमार, तो यहाँ पर आप देख पाओगे फर्स्ट नेम में शिवा यहाँ पर लिखा हुआ है और लास्ट नेम में यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है। और आपके फेसबुक अकाउंट का जो भी नाम है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करना है। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट के नाम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे आपके फेसबुक अकाउंट का नाम यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे फेसबुक अकाउंट का पहले नेम था शिवा कुमार, तो मैं आपको इस नाम को चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम शिवाई रहेगा और यहाँ पर मैं सेकंड नेम को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुमार से यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने नेम को जिस भी नाम से चेंज करना चाहते हो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने नेम को यहाँ पर चेंज कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी अपने नेम को चेंज कर लेना है। और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू चेंज का, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर रिव्यू चेंज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको रिव्यू चेंज पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में आपका नाम दिख रहा है, आप यहाँ पर शिवा सेंड कर सकते हो या फिर सेंड शिवा कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने नाम को जिस भी नाम से रखना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको नीचे सेव चेंज पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से आपको शेप चेंज पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप शेप चेंज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख पाओगे आपके फेसबुक अकाउंट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा पहले यहाँ पर फेसबुक अकाउंट का नाम था शिवा कुमार, लेकिन यहाँ पर अभी शिवा सेन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अपने प्रोफाइल पे भी लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने प्रोफाइल पे भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर था शिवा कुमार, लेकिन यहाँ पर शिवा सेन आ चुका है, यानी कि मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको तरीका बताया है, इसी तरह से आप भी अपने फेसबुक अकाउंट के नेम को चेंज कर सकते हो। यही तरीका है, इसी तरह से आपको अपने फेसबुक अकाउंट के नेम को चेंज करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हो एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।